हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, बात करते हैं आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। बच्चों, आज की क्लास में हम कंप्लीट हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, कैसे इसके अंदर हीट में कन्वर्जन होता है, किस तरह से प्रोड्यूस होगा ये, क्या इसका डेरिवेशन रहेगा, वो सारा आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। ओके, क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट आप पास करते हो किसी भी कंडक्टर के अंदर से, सपोज करो ये आपने एक कंडक्टर ले लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर समझते हो ना, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो जब भी आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया थ्रू ए कंडक्टर, द कंडक्टर बिकम्स हॉट। तो आपको पता है कि इसके अंदर जैसे ही आप करंट पास करोगे तो ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट। और ये क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ऐसा किस वजह से हुआ है, यानी कि हीट कैसे प्रोड्यूस हुई है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपने इसके अंदर आप ट्रांसफ़र कर रहे थे या इसको सेंड कर रहे थे कंडक्टर के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और इसी इफेक्ट को हम, इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दोबारा समझना है, एक बार दोबारा देखिए। सपोज़ करो मैंने आपको कहा ये आपके पास कोई कंडक्टर प्रेजेंट है। देखो, कंडक्टर, इंसुलेटर, दो चीज़ें होती हैं बच्चों। कंडक्टर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लाइक आयरन है और कॉपर है। और इंसुलेटर होता है बच्चों जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लाइक आपकी प्लास्टिक है और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो सभी इंसुलेटर हैं। तो अगर मैं बात करूँ अब इस कंडक्टर के अंदर से आपने करंट को पास किया, ठीक है, आप देखते हो कई बार घर में जैसे आपने स्विच ऑन किया, आप कूलर यूज़ कर रहे हो या मान लो कोई और भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हो, तो आप कई बार देखते हो जो वायर होती है वो भी थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है ना। या बल्ब आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप जलते हुए बल्ब को, वैसे आपने टच नहीं करना है बट आपने ऑब्जर्व किया होगा या कभी ऐसा हुआ, अगर आप देखते हो तो वो गर्म हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो यानी कि जैसे ही आपने इस कंडक्टर के अंदर से क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो थोड़े ही टाइम के बाद ये क्या हो गया, हॉट हो गया, यानी कि गर्म हो गया और इसने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, हीट। ऐसा कैसे हुआ, जैसे ही आपने बच्चों इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया था ना, वो सारे की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और इलेक्ट्रिक करंट का ये हीट एनर्जी में कन्वर्जन ही हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट है करंट का। तो ये पढ़ना था बच्चों आपने, बेसिकली यहाँ आप समझ सकते हो जो हीटिंग इफेक्ट का जो एक सर्किट दिखा रखा है, ये तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है वो गिवन है। यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वोल्टेज इसमें अप्लाई कर दी गई है, ये बैटरीज यहाँ पर कनेक्टेड है और ए टू बी की डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है। तो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट है जो करंट का, उसको किसने स्टडी किया था, जूल ने किया था 1941 में। जूल हमारे साइंटिस्ट थे। जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया अपना, तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, जिसे हम एच से डिनोट करेंगे हीट को, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वेयर के, यानी कि आई स्क्वेयर, करंट के स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस यानी कि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो टाइम वहाँ पर है जिसके बीच में करंट को पास किया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जूल्स ने, जो जूल्स ला भी हम पढ़ते हैं, या जूल जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया और डेरिवेशन मतलब इसका बताया कि एच है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वेयर आर टी के। अगर बच्चों इसका आप डेरिवेशन समझो कि किस तरह से आई स्क्वेयर आर टी की वैल्यू उन्होंने निकाल दी, कैसे उन्होंने पता किया कि जो करंट है वही स्क्वेयर होगा या जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो स्क्वेयर में नहीं आएंगी। मतलब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि जो आई स्क्वेयर आर टी है यही क्यों लिखा, आई आर स्क्वेयर टी क्यों नहीं लिखा या टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर क्यों नहीं किया, तो उसके लिए जो डेरिवेशन हम पढ़ेंगे अभी, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी सभी बातें। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए कंडक्टर के अंदर, उन्होंने मान लिया ये करंट कैरिंग कंडक्टर आपको ये लें ए टू बी, ठीक है, ये आपने करंट कैरिंग कंडक्टर मान लिया, ए टू बी आपने इसको मान लिया है। अब क्या कहा उन्होंने कि सपोज़ करो इसके अंदर से कंसिडर करंट आई इज़ फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ए बी ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है जिसमें रेजिस्टेंस है आर और टाइम रहेगा टी।
साथ में इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने मान लेना है वी। इसको आप पूरे जो डेरिवेशन है, जो ये फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। उन्होंने इस तरह का एक सेटअप लिया, उन्होंने कहा आपने करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है, ए टू बी आपने मान लिया, जिसके अंदर आर रेजिस्टेंस है, करंट आई इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, वी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया है। तो उसके बाद इन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला, उन्होंने कहा कि अब जो टोटल अमाउंट होगा वर्क डन का फ्रॉम वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज़ गिवन बाय। देखो एक चीज़ और आप ध्यान रखना, चार्ज के बारे में हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो वहाँ से आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। तो यानी कि चार्ज को ए से बी पॉइंट पर मूव करने में वर्क डन कितना होगा, कितना वर्क डन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज को, कि कितना वर्क डन हुआ है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब अगर आपने फर्स्ट क्लास को अच्छे से अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि जो हमारा चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, कितना करंट पास हुआ है या कितना करंट अप्लाई हुआ है वहाँ पर पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो क्या की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, क्या की वैल्यू हो जाएगी, आई इंटू टी। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर जहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट लिया था और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था। ओके, आई होप आपको याद आ गया होगा। तो देखो क्या की वैल्यू भी हमें मिल गई, वी की वैल्यू भी मिल गई, तो क्या और वी की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर दोनों जगह पुट कर देंगे, जिससे हमें जो वर्क डन की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो चलिए इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। तो W इज इक्वल टू क्या इंटू वी, तो क्या की वैल्यू आई इंटू टी, वी की वैल्यू आई इंटू आर, तो हमारा यहाँ से आई क्या हो जाएगा, स्क्वेयर। दो बार हमारा आई यहाँ पर आया, तो आई स्क्वेयर आर टी की वैल्यू यहाँ हमारी आ जाएगी किसके इक्वल, टोटल वर्क डन के इक्वल। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि जितना भी वर्क डन हुआ है ना, वो सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वर्क डन को के सिंबल को हम रिप्लेस कर देते हैं हीट से। ये सारा जूल जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो इससे उनका कंक्लूजन निकला, जो वर्क डन को उन्होंने रिप्लेस कर दिया हीट से, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी यहाँ पर वैल्यू हमारी आ गई थी। आई होप आपको इसका डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो इसकी एप्लीकेशन की, तो इसको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में यूज़ किया जाता है, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, जितने भी ऑलमोस्ट हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज जितने यूज़ करते हैं उनके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं जिनमें इतना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, लाइक कंप्यूटर वगैरह हैं, उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट इतना देखने को नहीं मिलता। तो जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सभी वो एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। साथ में ही बच्चों अगर हम बात करें कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो डिज़ायरेबल है डिवाइसेस के अंदर, यानी कि जिन जिन में प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इन सब में, और कुछ डिवाइसेस हैं जिनमें अनडिज़ायरेबल है, यानी कि जिनमें प्रोड्यूस नहीं होता, लाइक कंप्यूटर्स में नहीं देखने को मिलता, कंप्यूटर मॉनिटर्स में, सीआरटी टीवी रेफ्रिजरेटर्स एटसेट्रा, इन सब में नहीं देखने को मिलता है, ये मतलब प्रोड्यूस नहीं होता, हीटिंग इफेक्ट नहीं बनता वहाँ पर। और इलेक्ट्रिक बल्ब है, देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, ऑलमोस्ट जो पावर है वो सारी की सारी फिलामेंट ही कंज्यूम कर लेता है, और वो उसकी वजह से अपीयर्स अ हीट, यानी कि वो थोड़ा शाइनी उसका जो पार्ट है वो हमें दिखने लगता है, स्मॉल पार्ट है जो इसका, यानी कि वो लाइट को रेडिएट करने लगता है, रेडिएट करने लगता है वो इन फॉर्म ऑफ लाइट, यानी कि जो भी, देखो सिंपल शब्दों में समझो, इलेक्ट्रिक बल्ब ने पावर को कंज्यूम किया और उसके बाद उसने उस पावर को लाइट एमिट करने में यूज़ किया है। जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किससे बना होता है, टंगस्टन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। ये कभी भी हाई टेम्परेचर भी अगर इन्हें मिले तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते जल्दी, साथ में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई होता है, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस। जो बल्ब्स हैं वो भरे हुए होते हैं केमिकली इनएक्टिव गैसेस से, लाइक नाइट्रोजन है, आर्गन है, और इससे जो फिलामेंट की लाइफ है वो काफ़ी लंबी रहती है, यानी कि जो ये गैसेस हैं ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती। तो बच्चों आज आपने जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी जिसको हम बोल देते हैं, वो आपने आज कंप्लीट पढ़ लेना है। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता दें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे, या हम एक सेपरेटली वीडियो बना लेंगे जो भी क्वेरीज आपको इस चैप्टर में आ रही हैं उनसे रिलेटेड। तो यह आज आपने कर लेना है बच्चों, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दें।
हीटिंग इफेक्ट है जो इलेक्ट्रिक करंट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम्स में भी काफ़ी बार देखने को मिलता है, उसको आप नोट भी कर लें साथ साथ और अच्छे से समझ लें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता दें, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।